चलिए वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में किताब की मर्यादा के हिसाब से पैसिफिक आइलैंड्स आज हम कवर करेंगे, जो कि किताब के हिसाब से अब अंतिम टॉपिक है। एक तरह से आपका ये सारा सेगमेंट कवर हुआ। आपको याद होगा कि जब ये सब्जेक्ट शुरू किया था तब हमने एक बात चर्चा की थी कि हम खास पेजेस से स्पेसिफिकली फिजिकल फीचर्स भी डीमार्केट करेंगे कॉन्टिनेंट वाइज। आज आपकी बुक सारी ख़त्म हो गई, 90% तक वो फिज़िकल फ़ीचर्स भी आप कर चुके। अब जो बचे खुचे हैं हम उन पेजेस से उन्हें कंप्लीट कर देंगे, मैक्सिमम एक या दो दिन लगा करके। आपका सब्जेक्ट हर तरह से ये पूरा हो जाएगा ज़िंदगी भर के लिए। सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर और उनकी हर तरह की सब डिविजन्स को कवर करते हुए हमने पूरा विश्व पढ़ा दिया आपको। एक एक मुल्क पढ़ाया है, एक एक कंट्री जिसे कहते हैं हर कॉन्टिनेंट की, यही नहीं जहां कोई बस नहीं रहा वो अंटार्कटिका भी पढ़ा दिया। और आज हम पैसिफिक रीजन के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच जो आइलैंड्स हैं और जो आइलैंड ग्रुप्स हैं उनको पढ़ने जा रहे हैं, जिन्हें मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलीनेशिया कह के पुकारा जाता है। चलिए आज हम इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम मेलानेशिया से शुरुआत करते हैं। मेलानेशिया शब्द कहाँ से आया होगा? यह शब्द ग्रीक भाषा से आया, ग्रीक से फ्रेंच में बदला, फ्रेंचिसियों के द्वारा फिर यहाँ पर ये शब्द प्रयोग में आया, तो आप इसको ग्रीक ही मान लीजिए। ये दो शब्दों से मिलकर के बना है मेला, दैट इज़ आपकी स्किन में मेलानिन होता है, जो मेलानिन डार्कनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो मेलानिन भी इसी शब्द मेला से ही आया। तो ग्रीक का ये मेला शब्द का अर्थ क्या है? ब्लैक, दैट इज़ ब्लैक। और नेसस शब्द का अर्थ है आइलैंड। तो इसलिए माइक्रोनेशिया, पॉलीनेशिया, मेलानेशिया, नेसिया नेसस शब्द से आता है। ग्रीक भाषा में उसका अर्थ है आइलैंड और मेला का अर्थ है ब्लैक, तो ब्लैक आइलैंड, द आइलैंड इनहैबिटेड बाय द ब्लैक पीपल। तो मेलानेशिया के जो आइलैंड थे वो रंग के आधार पर इनको नामकरण किया गया। यूरोपियन कॉलोनलिस्ट रंग के बड़े दीवाने हुआ करते थे, पूरी पृथ्वी के लोगों को रंगों के आधार पर बांटा गया है, वाइट, ब्लैक, व्हीटिश या जिन्हें ब्राउन कहते हैं, जैसे भारतीयों को ब्राउन कहा जाता था। और फिर गाना भी आया अभी, ब्राउन मुंडे, आपने सुना भी होगा। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस चीज़ को बताया कि हैं अमेरिका में बट वी आर ब्राउन मुंडे, ओके। वो एक इतिहास की तरफ इशारा करता है। तो मेलानेशिया माने उन लोगों का आइलैंड जो लोग चमड़ी से काले हैं, पर आज की डेट में ये फैक्ट सही नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पर अब डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है और उसका रीज़न है कॉलोनियलिज्म का दौर। आज हम जिस क्षेत्र को पढ़ने जा रहे हैं उस क्षेत्र को पहले यहाँ पर देखिए, फिर आपको कहानी अच्छे तरह से समझ आ जाएगी। आई होप कि आप सब कंफर्टेबल हैं, चीज़ें अच्छे से समझ पा रहे हैं, ओके? तो यहाँ पर देखिए, मैंने कहा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के आसपास के सारे आइलैंड, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये मेलानेशिया है, आप यहाँ देखिए ये माइक्रोनेशिया है, और आप यहाँ आइए तो ये पॉलीनेशिया है। तो ये जो गुज़र रही है दिस इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो गुज़र रही है दिस इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। आप देख सकते हैं कि माइक्रोनेशिया और मेलानेशिया तो इसी के बीच में ही हैं, सिर्फ पॉलीनेशिया है जो और नीचे की ओर एक्सटेंड हो रहा है, और ख़ास तौर पर ये न्यूजीलैंड की फॉर्म में। तो इस तरह से ये तीन अलग अलग कैटेगराइजेशन की गई हैं
आइलैंड नेशंस या ग्रुप ऑफ आइलैंड नेशंस की। हम पढ़ जिस इलाके को रहे हैं वो इलाका है पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन में सेंटर से वेस्ट की ओर जा रहे हैं हम, और ज़्यादातर साउदर्न पैसिफिक की स्टडी हो रही है। इसमें जब बात मेलानेशिया की मैंने, तो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में है ये और इंडोनेशिया के ईस्ट में है ये। इतनी बात समझ में आई? तो हम इस रीजन को पढ़ रहे हैं। तो ये रीजन मेजर वॉर ग्राउंड रहा वर्ल्ड वार टू के समय में अमेरिका और जापान के बीच। आप सब जानते हैं कि जापान ने ईस्टवर्ड जाते हुए अमेरिका को धराशायी करना चाहा, और इसी के तहत उसने पॉलिनेशिया के जो ग्रुप ऑफ आइलैंड नेशंस हैं उनमें से ये जो हवाई है, इस हवाई में जो पर्ल हार्बर है उस पर आक्रमण किया और अमेरिकी सैनिक जहाज उसको नुकसान पहुंचाया, बेस को नुकसान पहुंचाया, और जवाबी कार्रवाई में अमेरिका वर्ल्ड वार टू में कूदा, और उसका नतीजा आपने देखा 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम गिराए गए एटॉमिक। ओके, तो कुल मिलाकर के इसके इस तरफ अमेरिका है, इसके इस तरफ जापान है, और जापान और अमेरिका के बीच का वॉर थिएटर बन के उभरे ये सारे आइलैंड्स। बहुत फियर्स बैटल्स यहाँ पर इन आइलैंड्स पर फाइट की गई हैं, मैं आपको बता दूँ। और इन बैटल्स के पहले, वर्ल्ड वार टू के पहले, यहाँ वर्ल्ड वार वन की भूमि इसे बनाया गया। और ये दोनों बैटल्स की भूमि ये क्यों बनी? क्योंकि उसके पहले ये कॉलोनियलिज्म का प्रभाव क्षेत्र था, कॉलोनियलिस्ट पावर यहाँ पर आई हैं। तो मैंने ये कहा कि इसे ब्लैक लोगों के द्वारा ऑक्यूपाइड आइलैंड कहा तो जाता है, पर यह आज पूरी तरह सच नहीं, क्योंकि एथनिक डाइवर्सिटी बहुत बदल चुकी है यहाँ की। उसका सीधा जवाब यही है कि आज ये आइलैंड एक डोमिनेंट कॉलोनियल इम्पैक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे अमेरिकन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, अमेरिकन म्यूज़िक, अमेरिकन टेलीविज़न शोज़, या फिर कुजीन खान पान, वो इन आइलैंड्स के कल्चर का एक बड़ा डोमिनेंट हिस्सा है। यूरोपियन कॉलोनियल फेज़ के समय की, चाहे स्पेन था, चाहे फ्रांस था, चाहे जर्मनी था, ब्रिटेन था, और फिर ओवरऑल इस क्षेत्र पे कंट्रोल अमेरिका का हुआ अमेरिकन एक्सपेंशन के समय में, उन भाषाओं का, सबका भाषाओं का प्रभाव यहाँ आपको दिखता है। ये भी कॉलोनियलिज्म का इम्पैक्ट है। इन लोगों का अमेरिका जाके बसना, यूरोप के मुल्कों में जाकर के बसना, और वहाँ से रेमिटेंसेस भेजना अपने लोगों को यहाँ घर, जो कि आमदनी का एक अच्छा जरिया है, ये भी कॉलोनियलिज्म की ही देन है, उस समय की ही देन है। इस क्षेत्र का जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है वो टूरिज़्म है, और टूरिज़्म के रूप में इसका विकास हुआ, उसके पीछे जो अलग अलग राइटर्स की लिखी हुई फैंटेसीज़ हैं, जिसमें इस क्षेत्र को बहुत ही खूबसूरत बना करके प्रस्तुत किया गया, और जो ट्रैवलर है यहाँ का मेनली वो भी वहीं से आ रहा है, जो कि यूरोप और अमेरिकन है। फैंटेसीज़ भी उन्हीं जगह के ऑथर्स ने लिखी हैं, क्रेज़ भी वहाँ के लोगों में है, तो टूरिज़्म की इंडस्ट्री भी इनकी वहीं के इन्वेस्टर्स, उन्हीं के कॉरपोरेट कंपनीज़ और उन्हीं के टूरिस्टों से जुड़ी हुई है। तो इस तरह से ये उनसे इस मैनर में भी जुड़ा हुआ है। तकरीबन कई मुल्कों ने अमेरिका के साथ ट्रीटी ऑफ एसोसिएशन साइन कर रखी है, जिसके तहत अमेरिका का बड़ा दखल है इन मुल्कों में। कई आइलैंड ऐसे दिखाऊंगा जो अमेरिका के ही हैं, वो अमेरिका के एक्सटर्नल डिपार्टमेंट है वहाँ पर, या अमेरिका की कोई ना कोई मिलिट्री विंग वहाँ पर काम कर रहा है, तो वो अमेरिका के आइलैंड हैं कई, कुछ ब्रिटेन के, कुछ फ्रांस के, कुछ न्यूजीलैंड के, और कई ऐसे सॉवरेन नेशंस हैं जिन पर अमेरिका के प्रतिबंध ये लगाए गए उस समय में जब उन्हें आज़ादियाँ दी गईं कि आप हमारे साथ एसोसिएशन ट्रीटी साइन करेंगे। तो इस वजह से अमेरिका के वहाँ पर बेस बने हुए हैं। तो माइक्रोनेशिया
मेलानेशिया और पॉलिनेशिया वो आइलैंड्स हैं, ये पैसिफिक सागर का वो हिस्सा है, प्रशांत महासागर का, जिसमें अमेरिका के स्ट्रेटजिकल बेसिस का डोमिनेंस है। तो ये अमेरिका के बड़े डोमिनेंट क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक यही कारण है कि ये बहुत निकट, ये बहुत क्लोज चला जाएगा इस तरफ होते ही इंडोनेशिया के, फिलीपींस के, और यहाँ पर अब तेज़ी से उभरती हुई एक शक्ति जो चीन है, वो सेम यही चीज़ें आज साउथ चाइना सी और आसपास के सागरों और समुद्रों में अपने बेस बना करके खड़े कर रहा है, क्योंकि वो ये मानता है, वो अक्सर ये कहता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में अगर शांति रखनी है तो अमेरिका अपनी डोमिनेंस को घटाए, अमेरिका अपने बेस घटाए, अपनी प्रेजेंस घटाए। तो तब आप पढ़ते होंगे तो आपके मन में आता होगा कि अमेरिका की प्रेजेंस है कहाँ, उसका डोमिनेंस है कहाँ। तो अभी जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा ये तीनों ग्रुप ऑफ आइलैंड अमेरिका की डोमिनेंस से भरे पड़े हैं। चीन का नामो निशान कहीं नहीं है, यहाँ भारत का नामो निशान कहीं नहीं है। और इस हिसाब से पैसिफिक ओशन को अमेरिका बड़े मैनर में कंट्रोल करता है, बड़े मैनर में कंट्रोल करता है। आई बात समझ में? जब हम इन आइलैंड्स की बात करते हैं तो इनकी खासियत ये है कि ट्रॉपिकल रीजन में होने के कारण यहाँ पर अच्छी खासी वर्षा होती है, ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, तो फिर यहाँ पर इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट भी होते हैं। रास्ते में जहाँ कहीं उन बरसातों के राह पर पहाड़ आ जाएं या कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो उनकी ऑपोजिट साइड पर रेन शैडो इफ़ेक्ट ज़रूर दिखता है, बट ओवरऑल ये टाइप ए ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक क्षेत्र का हिस्सा हैं। यहाँ पर लगभग सारा साल इनफ बरसात होती है और उसकी वजह से इक्वेटोरियल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन ये छोटे छोटे आइलैंड हैं, जैसे मेलानेशिया का नाम मेला शब्द से प्रूव हुआ, ऐसे माइक्रोनेशिया का नाम माइक्रो से प्रूव होगा। माइक्रो शब्द का अर्थ यहाँ पर यह है कि आइलैंड्स का अमूमन साइज एक स्क्वायर माइल ही है, मतलब बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स, द माइक्रोनेसस, माइक्रोनेशिया। और पॉलीनेशिया का मतलब पॉली माने बहुत सारे, मैनी, तो बहुत सारा नंबर ऑफ आइलैंड्स हैं, इसलिए उसका नाम, उस समूह का नाम है पॉलीनेशिया। तो छोटे छोटे आइलैंड्स होना, और आइलैंड आप सब जानते हैं कि पानी से घिरे रहते हैं, पानी से घिरे रहने वाली इसी टेंडेंसी के कारण ओवरऑल टाइप ए क्लाइमेटिक बेल्ट में होने के बावजूद भी जो लोकल वेदर कंडीशन रहती हैं आइलैंड में वो मॉडरेट और माइल्ड रहती हैं। अपनी इन माइल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण, बेइंतहा खूबसूरत बीचेस होने के कारण, क्यों? क्योंकि जब मैं मेलानेशिया और माइक्रोनेशिया की बात करता हूँ तो ये प्रीडोमिनेंटली कोरल हैं। इन आइलैंड्स का जो बेस है वो कोरल है, ये बहुत ही लो एलिवेशन वाले आइलैंड हैं, समुद्र जल स्तर से बस कुछ ही फुट ऊपर होंगे। ये इनकी खूबसूरती को अपने आप ही बढ़ा देता है। जैसे मालदीव्स हैं तो बीचेस आर वेरी ब्यूटीफुल, क्लाइमेट लोकल वेदर कंडीशन इज माइल्ड ड्यू टू द ट्रॉपिकल टाइप ए क्लाइमेट बेल्ट, ग्रीनरी इज एम्पल ड्यू टू देयर आइसोलेटेड नेचर इन द पैसिफिक, दे आर गिविंग यू अल्टीमेट आइसोलेटेड एटमोसफेयर फ्री फ्रॉम द हैफजेड लाइफ ऑफ द अर्बन एरियाज, द हसल बसल ऑफ द सिटी लाइफ, दैट नॉइज पोल्यूशन ड्यू टू द प्रिमिटिव स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट, दे आर ऑफरिंग यू अ पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, अ नॉइज फ्री एनवायरमेंट। और ये आपको एक सेक्लूजन प्रोवाइड करते हैं, शहरों की भागा दौड़ से निकलना है, अमेरिका में हैं, यूरोप में हैं, कहीं भी हैं, हवाई जहाज़ का टिकट कटाइए, निकल जाइए, दो ढाई घंटे में, तीन घंटे में पहुंच जाएंगे। बीच के किनारे एक दो रातें बिताइए, दिन बिताइए और फिर वापस, मज़ा है। तो ये कारण है कि ये एक अच्छे टूरिस्ट रिजॉर्ट के रूप में आपको
लाइफ ऑफर करते हैं, दूसरा इनसे कहानियाँ बहुत, जो फैंटेसीज, इन्हें नॉवल में ऐसा दिखाया गया है, किताबों में ऐसा दिखाया गया है कि जन्नत से कम नहीं लगते ये, ऐसा लगता है कि जन्नत है। पॉलिनेशिया के सोसाइटी आइलैंड में एक आइलैंड है बोरा बोरा, उसे ट्रॉपिकल का पैराडाइज कहा जाता है। मैं उसकी इमेज भी दिखाऊंगा, कई बॉलीवुड गानों में वहाँ गाने भी शूट हुए हैं, कई फिल्मों में, और आप वहाँ का वो स्वच्छ नीला जल देख करके, वो क्रीम कलर के रेतीले बीचेस देख करके, और पाम के ट्रीज़ और पीछे कुछ कुछ छिटपुट पर्वत जिनका ओरिजिन वॉल्केनिक होगा, और दूर तक एकांत, आप कहेंगे ज़िंदगी क्या ही है। शायद इनमें से कोई एक आइलैंड की ही वो लोकेशन यूज़ की होगी, जिस मूवी बैंग बैंग में कटरीना और ऋतिक वहाँ कहीं आइलैंड पे फंस जाते हैं, वैसी ही जगहें हैं। बीच के किनारे नेट बांधा रहता है, वॉलीबॉल खेलते रहिए, ताजी मच्छी पकड़ के वहीं हीरो पका लेता है। ये सीन जब यूथ देखता है, नॉवल में सुनता है, पढ़ता है, इमेजिन करता है, तो वो ये मानता है कि ज़िंदगी अगर कहीं है तो यहीं है। चलो चलें। रात को तारे जो दिखते हैं वहाँ पर गजब होते हैं, आसमान भी अलग होता। पैसिफिक की शांति बहुत सुंदर है, अगर आपने प्रशांत महासागर की शांति का अनुभव किया है, अपने आप में अविस्मरणीय अनुभव होता है ये। कभी मौका लगे तो ज़रूर करिएगा, कभी ऑस्ट्रेलिया जाना हुआ तो ये कर सकते हैं आप। ओके, तो ये खासियतें हैं, इस वजह से चलते हैं ये इलाके, तो टूरिज़्म के लिए इसलिए हिट हैं। लोकल वेदर कंडीशन पर वाटर इम्पैक्ट है, क्योंकि आइलैंड कैरेक्टर है तो इस वजह से माइल्ड हो जाता है। ओवरऑल ट्राइब क्लाइमेट ए है तो इस वजह से ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, बीचेस अच्छे हैं, खूबसूरत है, कोरल ओरिजन है माइक्रोनेशिया मेलानेशिया का, लेकिन डोमिनेंस वॉल्केनिक ओरिजन का है पॉलिनेशिया में, तो इसलिए उनके एलिवेशन भी हाई हैं, उनकी टोपोग्राफी माउंटेनस है। माइक्रोनेशिया पॉलिनेशिया जो है इस पर छिटपुट वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन मेजोरली ये कोरल हैं, एलिवेशन लो है इनकी, इनकी टोपोग्राफी भी ऑलमोस्ट फ्लैट है। ये एक फ़र्क है पॉलिनेशियन आइलैंड्स में और इन में, उनके टोपोग्राफी में टेरेन में और इनके टेरेन में फ़र्क है, उनके ओरिजिन में और इनके ओरिजिन में फ़र्क है, उनके नेचर इनके नेचर में फ़र्क है, फिजिकल ज्योग्राफी यहाँ पर वेरी कर जाती है। इसके अलावा कुछ आइलैंड ऐसे हैं जिनमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर द पर्पज़ ऑफ टूरिज़्म, इस वजह से भी टूरिज़्म यहाँ पर आता है। जो चुनौतियाँ हैं वो यही हैं कि एक आइलैंड से दूसरा आइलैंड दूर बहुत है, तो ट्रैवलिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है, और इस ट्रैवलिंग कॉस्ट को घटाना ये मुश्किल है, तो इस वजह से रिलक्टेंट रहते हैं। और दूसरा, कुछ ही आइलैंड को छोड़ दें तो बाकी मुल्कों में इतना भी सामर्थ्य नहीं कि वो टूरिज़्म से जुड़ी हुई बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को पैदा कर सकें, इस वजह से भी टूरिस्ट नहीं आता। और अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा होगा तो आप सब जानते हैं यहाँ की लोकल सरकारों में कैपेबिलिटी नहीं है, तो उन्हें वो इंफ्रास्ट्रक्चर मल्टीनेशनल कंपनी से ही क्रिएट कराना पड़ेगा, और वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ जब यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती हैं तो आप जानते हैं कि वेल्थ ड्रेन होती है, किसी लोकेशन का पोटेंशियल का बेनिफिट कोई और ले जाता है जो ऑलरेडी पहले से ही रिच हैं, और हो सकता है कि लोकलाइट्स को मीनियल जॉब्स मिले पर जो वेल्थ क्रिएट हुई उसमें हिस्सा ना मिले। ये परिस्थिति बिल्कुल कैरेबियन जैसी है, कैरेबियन सी के आइलैंड नेशंस के भी हाल ऐसे ही थे, आप इनको लगभग वैसा ही इमेजिन करिए। तो टूरिज़्म के बाद फिर और ऑप्शन क्या बचते हैं, वही बचते हैं जो कुछ मिनरल रिसोर्सेज इनके पास हैं उन्हें ही एक्सट्रैक्ट करके दुनिया भर को भेजा जा रहा है, वही एक्सट्रैक्शन मेन है। निकल और फॉस्फेट के रिसोर्सेज यहाँ पर ख़ास तौर पर मिलते हैं, उन्हें एक्सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट और एक्सट्रैक्शन एक्टिविटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो कौन लेके आ रहा है, वो इन्वेस्टमेंट कौन ला रहा है, वही MNCs। दूसरी तरफ ये अपने मुल्कों को ऑफ़र कर रही हैं लोगों के सामने कैसे, ऑफशोर बैंकिंग, और आप जानते हैं कि ऑफशोर बैंकिंग का कंसेप्ट किन्होंने अपनाया, द कैरेबियन आइलैंड नेशंस, अपने नरम लेबर लॉज, अपनी दुनिया भर से दूर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग सर्विसेज के कारण, टैक्स में कई तरह के एग्जम्पशंस के कारण बड़ी बड़ी शिपिंग इंडस्ट्रीज़ ने अपनी कंपनी अपनी फर्मों को यहाँ रजिस्टर किया हुआ है, क्योंकि लेबर लॉज नरम हैं, वेस्ट डिस्पोजल के लॉज नरम हैं, टैक्सेशन से बहुत भारी एग्जम्पशंस हैं, ऑफशोर बैंकिंग के बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, पैसा यहाँ पर आकर के दबाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है, टैक्स हेवन के रूप में विकसित हो जाएंगे ये, तो ये एक तरीका अपनाया जा रहा है। टूरिज़्म के साथ साथ इन चीज़ों पर फोकस है।
लेकिन अगर आप पूछें कि जो समाज वहाँ का है उसके लिए उपजीविका का साधन क्या है, तो उसकी उपजीविका का साधन वही है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर यहाँ पर लाइवलीहुड का मेन स्टे है। फिशिंग एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है और इसी को लेकर के आपस में इन मुल्कों के कॉन्फ्लिक्ट हैं। उन मुल्कों के कॉन्फ्लिक्ट के पीछे का रीज़न, आइलैंड छोटे छोटे हैं और उसके सराउंडिंग वाटर बॉडीज़, और मैंने आपको बताया ही था कि सी की टेरिटरी कैसे डीमार्केट की जाती है, आपको लेक्चर दिया था अभी मैंने, और उसमें ये कठिनाई हो जाती है कि इतनी क्लोज़ जब आइलैंड लगे हुए हैं तो किसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितना रहेगा, किसको पानी पर अधिकार कितना मिले। तो यहाँ बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपसी सहमति इनके बीच में बने तो ये एक्सेप्ट करें उन बाउंड्रीज़ को। और रिसोर्सेज के तौर पे फ़िशिंग एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, वो स्टेपल डाइट का हिस्सा है, लोगों के न्यूट्रिशन का हिस्सा है। तो इसलिए यहाँ पर कुछ ग्राउंड्स ऑफ फ़िशिंग हैं, कुछ पानी ऐसे हैं जहाँ पर ओवर फिशिंग बहुत ज़्यादा है और उसी कारण वहाँ पर मछलियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, सूख चुका है, और ये यहाँ की पीढ़ियों के लिए, यहाँ के समाज के लिए एक चुनौती बनी हुई है कि अब इन रिसोर्सेज को फुलफ़िल कहाँ से किया जाए। और यही कारण है कि ये दूसरे क्षेत्रों में हाथ मारते हैं, दूसरे के पानी में हाथ मारेंगे, और ये फिर मेजर रीज़न बनता है कॉन्फ्लिक्ट का। कॉन्फ्लिक्ट यहीं नहीं रुकता, कॉन्फ्लिक्ट यहाँ भी है कि कॉलोनियल पीरियड के समय में कॉलोनियलिज्म ने दुनिया भर से जो फसलें उन्हें चाहिए थी वो फसलें यहाँ पर भी उगाई। जैसे शुगर केन की फसल उगाने के लिए फिजी में बड़े पैमाने पर साउथ एशियंस को लेबर बना के ले जाया गया, जिनमें इंडियंस भी हैं, इंडिया साउथ एशिया का हिस्सा है, और वो लोग उस समय से यहाँ पर फसलें उगाते थे, फिर वो यहाँ बस गए। आज फिजी की 1/3 पॉपुलेशन साउथ एशियन है, लेकिन बाकी की पॉपुलेशन पैसिफिक आइलैंडर है, वो यहीं की इंडिजीनियस है, लोकलाइज्ड है। तो साउथ एशियन माइनॉरिटी और पैसिफिक आइलैंडर की मेजॉरिटी, लेकिन साउथ एशियंस ब्रिटिशर्स के द्वारा लाए गए, चाहे इंडेंचर्ड लेबर ही बना करके लाए गए, लेकिन लाए गए, उनके द्वारा ट्रेंड किए गए, इंग्लिश सिखाई गई, एजुकेट किए गए, स्किल्ड बनाए गए। धीरे धीरे उन्होंने आवाज़ें उठाई, वो सरकारों का हिस्सा बनने लगे, और धीरे धीरे वो आज यहाँ की सरकारों का मुख्य हिस्सा हैं। यही चीज़ मेजॉरिटी ग्रुप्स को कहाँ एक्सेप्ट होती है कि वेल्थ में उनका शेयर इम्पॉर्टेंट है, राजनीति में उनका शेयर इम्पॉर्टेंट है, ये कैसे? तो ये फिर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के कन्फ्लिक्ट का कारण है। तो इस तरह से आए हुए आउटसाइडर ग्रुप्स जो वहाँ के इंडिजीनियस ग्रुप्स के सामने आज माइनॉरिटी के रूप में हैं, एक तरह से इंडिजीनियस मेजॉरिटी और माइग्रेंट माइनॉरिटी के बीच के कॉन्फ्लिक्ट हैं। और कुछ आइलैंड्स आपको ऐसे दिखेंगे जिसमें जो माइग्रेंट्स हैं वो मेजॉरिटी हो गए, जो माइग्रेंट्स हैं वो मेजॉरिटी हो गए और इंडिजीनियस माइनॉरिटी के स्टेटस पे चले गए, क्योंकि वो आइलैंड छोड़ते निकलते गए। जैसे बड़े पैमाने पर माओरी पॉलिनेशिया के आइलैंडों को खाली करते न्यूजीलैंड पहुँच गए एक समय में। तो इस तरह से आइलैंड छोड़ते वो लोग आगे निकल जाते हैं। तो माइग्रेंट मेजॉरिटी और इंडिजीनियस माइनॉरिटी में कन्फ्लिक्ट है। और एक समस्या ये भी है कि इंडिजीनियस लोग अपना एनिमिज्म ट्राइबल कल्चर फॉलो करते थे, माइग्रेंट जो आए हैं वो कॉलोनियलिज्म के समय के हैं, और कॉलोनियलिस्ट पावर के समय में यहाँ पर क्रिश्चियनिटी आई। तो आज ये भी हालात हैं कि कई आइलैंड 99% तक क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके हैं। इस वजह से भी जो इंडिजीनियस एनिमिज्म है या ट्राइबल कल्चर है, द शमन कल्चर्स, उनको थ्रेट है, तो वो कन्फ्लिक्ट हैं। तो इस तरह के बहुत से कन्फ्लिक्ट हैं। इंडिजीनियस लोगों ने यहाँ पर अपने एग्रीकल्चर और प्रैक्टिसेस को, फिशिंग कल्चर को, और इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज में जो उनके आपसी ट्रेड और कमर्स हुआ करता था, जैसे जानवरों के फर ले लेना, उनकी स्किन ले लेना, इन सब चीज़ों में ट्रेड हुआ करता था। जैसे न्यूजीलैंड में माओरी लोगों ने तो फर ले करके ऑस्ट्रिच नुमा वो जान पक्षी ही ख़त्म कर डाला, मोआ, काम ही कहानी ख़त्म कर दी, यूरोपियन के पहुंचने तक तो वो विलुप्त तो हो चुका था। ठीक इसी तरह से इन प्रीशियस चीज़ों का ट्रेड इन इंडिजीनियस ग्रुप्स में पहले से होता था। तो इन्होंने अपना एक व्यापारिक संबंध बना हुआ होता, एक खेतीबाड़ी करते थे, मछली पालन होता था, मछली पकड़ा करते थे, एक कल्चर इनका अपना था। लेकिन जब कॉलोनियल पावर्स यहाँ पर आई, उनका इकोनॉमिक पैटर्न डिफरेंट था। तो धीरे धीरे उन्होंने एग्रीकल्चर एक्सपेंशन किया, कमर्शियल क्रॉपिंग की, प्लांटेशन की तरफ वो बढ़े, बाहर से लेबर ला करके उनसे काम कराया गया, वो ज़्यादा ओबीडियंट थे, उनको ज़्यादा कहने में रखा जा सकता था। इस तरह से पुराने कल्चर्स खुद को वैनिश होता पाते रहे।